नमस्कार दोस्तों, ये भाखड़ा संबल बाटे खुशियाली का नया उजाला, भारत की पावन धरती पर अपना राजस्थान निराला। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की तो बात ही निराली है। हम जिस धरती से आए हैं वह वीर एक से एक है, महाराणा प्रताप है, मीराबाई है, बहुत हजार एक से एक सूरवीर हुए। मैं नाम गिनाने जाऊंगा तो आपको हजारों घंटे लग जाएंगे और उनका इतिहास गिनाने जाऊँ तो दोस्तों, हमें गर्व है कि हम उस सूरवीरों की धरती से आते हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात आज आपको कहने जा रहा हूँ कि जो हमारे विद्यालय हर गांव में बने हुए हैं, पर विद्यालय के अंदर लड़के ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं। हर क्लास के अंदर 50 लड़के होंगे तो किने सुनी 10 लड़कियाँ आती है। तो क्योंकि हम एक ऐसी मुहिम चलाए कि पूरे गाँव में से हमारे हर घर से बच्चियों को स्कूल भेजें, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने गांव में भाई जो भी बैठे हैं और वो भी क्या सब सोचते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा भी पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं तो ज़्यादा उनको पढ़ाई कराने नहीं देते हैं। ज़्यादा 5 क्लास या 6 क्लास बहुत मुश्किल से करती है, और कुछ गिनी सुनी लड़की बच्ची 8 या 10 क्लास पढ़ती है। तो आधुनिक दुनिया के हिसाब से दुनिया की अभी हमें दुनिया के साथ साथ हमें भी सोच बदलनी चाहिए कि शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा होगी तो ही समाज और गांव और राज्य और देश का विकास होगा। हमारे घर में ही शिक्षा नहीं होगी तो हमें दर दर भटकना पड़ता है। आज आप देख रहे होंगे बहुत विडम्बना है, गांव में एक छोटा सा कागज रहता है तो जो भी हमारे गांव में लेडी लोग गांव में इधर उधर जाते हैं, कहीं भी ई मित्र पे जाते हैं तो एक कागज़ बताते हैं, वो नहीं आता है उनको पढ़ने के लिए, दूसरे को बताते हैं, फिर उसको कुछ जेरॉक्स निकाल के कहीं भेजना है तो नॉर्मल काम के लिए भी उनके पास से 100-150 रुपये ले लेते हैं लोग काम करने के। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। यही शिक्षा रहे तो उनको कोई भी काम करने में ईजी हो जाएगा, चाहे बैंक का काम हो, सोसाइटी का काम हो, उनके खुद का पेमेंट उठाने का हो, कहीं से लेना देना हिसाब रखना। तो शिक्षा दोस्तों ज़रूरी है। घर में शिक्षा है तो परिवार को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, इसलिए बेटी पढ़ाना जरूरी है और बच्चियों को पढ़ाना। और आप ये मुहिम शुरू भी करो राजस्थान के अंदर, क्योंकि सबसे पिछड़ापन हम पढ़ाई के अंदर हम ही पीछे आते हैं। और हमारे मैंने कई देखे हैं, इतने मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप क्यों अभी छोड़ा रहे स्कूल, तो कि भाई टाइम खराब है। अरे टाइम खराब हम सही है तो दुनिया कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हिम्मत करके भेजो और कम से कम 12 क्लास तक तो बच्चियों को पढ़ाओ आप, तो ही उनके आगे जीवन में वो सुखी ज़िंदगी जी सकते हैं। आगे आने वाले समय बहुत परिवर्तन का समय है, उसके अंदर ऐसा हम पढ़ाई के बिना नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हर आधुनिक दुनिया का दौर है। इसलिए कम से कम आप 12वीं तक तो कम सिंपल सारी पढ़ाए दोस्तों, और मैं आगे और इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाने की आवाज़ को और बुलंद करूंगा, और मेरी भी जितनी कोशिश होगी मैं भी अपने गांव में ये कोशिश करूंगा और सबको इसके बारे में और विचार करने में और बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने में सबको प्रेरित करूंगा। क्योंकि आज कल देख रहे हो, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए पढ़ाई होनी जरूरी है। और शिक्षा नहीं है तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। देखो आज दुनिया कितनी टैलेंट होगी, एक से एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हम दिन के दिन वही पुरानी सोच लेके बैठे हैं, पढ़ना क्या है, हम तो वैसे भी देशा और जाना है। अभी सोच बदल दो, अभी वो देशा और जाने वाली सोच बदल दो। आप इतने शिक्षा के अंदर सक्षम हो जाओ और वो शिक्षा ले लो कि आप जिस जगह पर खड़े हो वहीं रोज़गार पैदा कर सको। दोस्तों ये माइंड सेट कर लो, ये माइंड की ताकत है। लोगों ने जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी करोड़ों के मैनेजमेंट करके आप बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे देश देखे होंगे वहाँ पानी पीने में नहीं है, वहाँ पेट्रोल निकलते, फिर वहाँ लोगों ने ऐसी दुनिया को बदल के रख दी है। तो इसलिए शिक्षा होनी ज़रूरी है। शिक्षा होगी तो हम अपने जगह पे ही रोज़गार पैदा कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।